ले ओम वर्ग का चयन कर सकते हैं, गांव जो भी ब्लॉक का डिटेल है, जिला है, राज्य जो है वो चयन कर सकते हैं। कई लोग जो होंगे बिहार से बाहर होंगे, पढ़ाए होंगे, विदेशों में भी होंगे, अपना डिटेल जो है और जो सुझाव जो है वो भी भर सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप ये देते हैं तो यहाँ अपना बायोडाटा भी आप लोग जो है अपलोड कर सकते हैं। सभी लोग के हिसाब से या हिंदी हो या इंग्लिश में है, इसका आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों ऑप्शन इस पर रखे गए हैं बच्चे। तो ये मुहिम जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमें नहीं लगता कोई भी ऐसी पार्टी आज के दौर में युवाओं को लेकर के चिंतित है, गरीबी को लेकर के चिंतित है, अलायंस को लेकर के चिंतित है या बेरोजगारी को लेकर के चिंतित है। ये मुहिम हम लोग शुरू कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ हम तो नीति जी से भी पूछना चाहेंगे कि आपने आके 15 साल में कितने रोजगार दिए। 15 साल ही छोड़ दो ना, अभी जो महामारी आई है, जो मजदूर जो वापस आए, कितने लोगों का पंजीकरण हुआ, कितने लोगों को आपने रोजगार जो सुनिश्चित कराया। और रेलवे स्टेशन में अगर आपने रोजगार दिया है तो बस स्टेशन पे कौन लोग हैं जो बिहार से बाहर जा रहे हैं, कौन लोग हैं रेलवे स्टेशन में जो वापस जा रहे हैं, कौन लोग हैं जो एयरपोर्ट से जो बिहार छोड़कर के वापस जा रहे हैं। यानी आपके विकास पे आप बात नहीं करना चाहते, आप किस पे बात करना चाहते हैं, आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं। हम लोगों को गाली देना चाहते हैं मुबारक पाप को, लेकिन हम तो हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि अब जो है दलगत राजनीति जो है छोड़ करके बिहार के हित में युवाओं के लिए एक होकर के जात पात छोड़ करके, देखिए हम लोग नए लोग हैं, जात पात से ऊपर उठ करके हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए। लेकिन आप जो है स्कीम लाते हैं कि भाई जो दलित परिवार में अगर हत्या होगी तो आप नौकरी दीजिएगा, तो मेरा सवाल बनता है पिछड़ा के पिछड़ा अल्पसंख्यक स्वर्ण उनके परिवार में हत्या हो तो आप नहीं दीजिएगा। दूसरा सवाल, आपको तो ऐसा कानून बनाना चाहिए था कि उनकी हत्या हो ही ना, तो आप कौन सा कानून बना रहे हो प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए हत्या का, इससे क्या होगा। ऐसे भी एनसीआरबी का अगर आंकड़ा निकाले तो भारी जो है इजाफा हुई। ये तो नीतीश कुमार जी के 15 साल का काम, देश का जीडीपी जो है लगभग 23.8% जो है नेगेटिव पे चला गया, नेगेटिव है। पहले बार जो है 1% गरीबी दर जो है वो बिहार में 50% जो है बिहार में पलायन नहीं, यानी सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो पलायन में भी बिहार जो है नंबर 1 है। कोई रोजी रोटी के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर के अगर हो तो यानी बिहार का हर दूसरा परिवार लगभग 50% जो दर है पलायन का वो हो चुका है। यानी बिहार का हर दूसरा परिवार शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाता है। लेकिन कभी भी इन 15 सालों में डबल इंजन की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने कभी भी ना तो बेरोजगारी पे बात की, ना पलायन पे बात की, ना ही उन्होंने गरीबी मिटाने की बात की। बिहार का कचरा नहीं कर सकते, बिहार की जो आर्थिक स्थिति जो चरमराई है, व्यवसाय जो माने जा रहे हैं कोरोना काल में, जो मजदूर हो या जो भी लोग मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब लोग हो, सदन का भाव है, उसके लिए कोई नीतीश कुमार जी ने रोडमैप नहीं बनाया ना बताया इस आर्थिक संकट से हम लोग कैसे उठाने के बिहार। नीतीश जी इस पर चर्चा नहीं कर रहे,
जिस पे कभी नहीं बोलेंगे, अच्छा घोषणा करेंगे, नया नया शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। भारत सरकार ये तो उस फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव में है, 23.8% नए वाले फॉर्मूले के साथ। इन्होंने जो फॉर्मूला को चेंज किया जिससे फिर भी दिखाया जा सकता है कि जीडीपी अच्छी है, पुराने वाले से किया जाएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और बिहार जैसे राज्य की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। एक भारत सरकार की एक चिट्ठी है आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे। क्या कोविड 19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।